हेलो फ्रेंड्स, मैं डिंपल आज बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही चटपटी और हेल्दी चटनी। तो इसे मैंने कुंदरुम से तैयार किया है अपने गार्डन एरिया से। कुछ कुंदरुम मैंने फिर से तोड़ लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने तोड़ा था तो आपके साथ मैंने वीडियो शेयर किया था इसकी चटपटी चटनी की, तो वो चटपटी चटनी तो आप सभी को बहुत ही पसंद आई थी। तो सेकेंड चटनी मैंने लहसुनिया फ्लेवर में तैयार किया है, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये चटनी जितनी हेल्दी है उतनी ही टेस्टी है और आप रोटी और चावल सभी के साथ इसे खाना पसंद करते हो। पहले की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, उसमें इस कुंदरुम को कैसे क्लीन करना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है सभी मैंने शेयर किए हैं। तो यहाँ मैंने कुंदरुम के कुछ पेटल्स को साफ करके रख लिया है। थोड़ा सा हमें लहसुन चाहिए, जैसा आप लहसुन का फ्लेवर पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंग साइज़ बड़ी है लहसुन की, तो मैंने 6 कली ली है। उसके बाद 2 हरी मिर्च मैंने ली, ये बहुत ही तीखी मिर्च इसलिए मैंने 2 ली है, वरना आप ज़्यादा भी ले सकते हो। इन सभी को मिक्सी के छोटे वाले जार में मैंने ले लिया है और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल देते हैं नमक, नॉर्मल नमक जो हम लोग खाते हैं, और इसके अलावा काला नमक भी इसमें डालना है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी को टेस्ट देता है। फिर मैंने इसे पीस लिया जैसे कि आप देख रहे हो। बस इसमें डालना है मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच और बस ये खाने के लिए रेडी है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मिलती हूँ अगली टेस्टी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। पहले की चटनी को विजिट करें आप, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बाय बाय।